मानसून सत्र से निलंबित सांसदों के संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की वजह बना है धरना दे रहे निलंबित सांसदों का खाना पीना। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ निलंबित सांसदों ने चिकन खाया था। अब इसको लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो गई है। सही पे जवाब दो, आटा दाल पे जवाब दो, जवाब दो। मानसून सत्र से निलंबित सांसदों के संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन पर बवाल मच गया है। बवाल की वजह बना है सांसदों का खाना पीना। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ निलंबित सांसदों ने चिकन खाया था। अब इसको लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खबर है कि अहिंसा के साधक गांधी जी की प्रतिमा के सामने नीचे कांग्रेस के नेता धरना के नाम पर बैठ कर चिकन खा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों पर चर्चा तो दूर, देश की महान विभूतियों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। विपक्षी सांसद निलंबित किए जाने के खिलाफ धरने पर बैठे थे। वो चर्चा से भागना चाहते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ। हमने क्या कहा था, हमारा इंटेंशन अगर ठीक नहीं है तो नहीं होता तो हम निर्मला जी आने के बाद करेंगे ऐसे नहीं बोलते थे। अभी माननीय निर्मला जी आ गई है, शी हैज रिकवर्ड एंड कम बैक। हमने बोला यस्टरडे यू माइट हैव सीन माय स्टेटमेंट एंड हर्ड आल्सो, आई सेड नाउ इटसेल्फ वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन। तो इंटेंशन उन लोगों का डिस्कशन करना नहीं है, डिसरप्शन करना है और चर्चा से भागना है। अगर चर्चा से भागना है, डिसरप्शन ही करना है, सरकार को काम करने के लिए नहीं देना, ऐसा उनका इंटेंशन है तो क्या कर सकते हैं? सस्पेंशन के अलावा और रास्ता क्या है? सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बुधवार को गांधी प्रतिमा के सामने चिकन खाने को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, सभी जानते हैं कि गांधी जी के जानवरों के वध पर कट्टर विचार थे। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये एक विरोध था या एक तमाशा, क्या सांसद वहां पिकनिक मनाने गए थे। हालांकि टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने शहजाद पूनावाला पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष की एकजुटता से डरी हुई है। दरअसल गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन में शामिल सांसदों के कुछ वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि धरने के दौरान कुछ सांसदों ने चिकन खाया। बता दें कि सदन में भारी हंगामा के बाद विपक्ष के 20 से अधिक सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इनमें कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद भी शामिल हैं, जिसके विरोध में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कांग्रेस, टीएमसी, अन्य दलों के कुछ निलंबित सांसदों ने बुधवार से संसद परिसर में 50 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो शुक्रवार शाम 5 बजे तक चलना था। हालांकि बारिश के बाद धरना प्रदर्शन को स्थानांतरित कर संसद के प्रवेश द्वार पर शिफ्ट कर दिया गया।